चलो जी सुनो फटाफट से, यूनिट फोर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो इस यूनिट में है क्या, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में लिखी हुई कुछ बातें हैं, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल है, मतलब कुछ एक कहे ना कि फ्रंट एंड पे क्या क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। एक दो चीज़ें हैं, सक्सेशन क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या होती है, पर बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है। इसमें सवाल जो आएगा अगर, तो वो दो जगह से सवाल आता है, एक ये जॉइंट प्रोमिजर वाले इलाके से केस स्टडी आएगी, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, और दूसरा एक डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, केस स्टडी आ सकती है। दो चीज़ें हैं कि जॉइंट प्रोविजर के केस में क्या क्या बातें होती हैं और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या बातें होती हैं, ठीक। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जितनी भी चीज़ें इसके अंदर आएंगी मोस्टली चीज़ें आपको पता होंगी, बस एक बार रीड करना है, एग्जाम्पल पढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। हेडिंग वाइज कुछ नहीं है, यहाँ पर ऊपर ऊपर पढ़ नहीं सकते, होमवर्क आपको दे सकते हैं लेकिन आप घर में पढ़ोगे नहीं, इसलिए यहाँ पे इसको पढ़ के यही नहीं पढ़ेंगे, यहाँ बस पढ़ते हुए खत्म कर रहे हैं। संयम के साथ बस सुनते रहो, रीड करेंगे समझेंगे, आपको नया कुछ नहीं दिखेगा, डिफिकल्ट कुछ नहीं दिखेगा, बस पढ़ के खत्म कर देना है यहाँ, ठीक है। कोशिश करते हैं कि आधे से ज़्यादा इसको कर लें आज, और वैसे तो पूरा भी हो सकता है अगर आप बीच में ना बोलो तो। हाँ जी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखो चीज़ें क्या क्या है, एक बार समराइज करा हुआ है यहाँ पे, बाय हुम, मुद्दा क्या चल रहा है यहाँ पे कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसकी क्या होगी परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस कौन कौन कर सकता है इसके ऊपर बात आएगी। आपने पढ़ा हुआ भैया जिसने, वो भी अदर पार्टी भी परफॉर्मेंस कर सकती है यहाँ पे, परफॉर्मेंस के केस में कोई दिक्कत नहीं होती, अदर पार्टी भी वहाँ पे कर सकती है। दूसरा आएगा अगर जॉइंट प्रोमिजर है तो उस केस में क्या होते हैं, उसकी क्या लाइबिलिटीज होती है और क्या उसके राइट्स होते हैं। अगर जॉइंट प्रोमिजर का मतलब क्या है कि एक से अधिक लोगों ने प्रोमिस किया है कॉन्ट्रैक्ट में, मोर देन 2% इन्वॉल्व है और जो प्रोमिसिंग है वो ज़्यादा लोग हैं, तो ज़्यादा लोग हैं तो सारे के सारे अपनी मतलब उसको जो भी उनकी प्रॉमिस किया हुआ होगा उसको परफॉर्म करेंगे। अगर कोई परफॉर्म कोई एक नहीं रहता, सपोज कि तीन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि मैं परफॉर्मेंस करूंगा, उसमें से दो की डेथ हो गई, तो वो एक तो करेगा और वो जिनकी डेथ हुई है उनका जो भी सक्सेसर होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो उसके बदले परफॉर्म करेगा। अगर कोई नहीं होगा तो वो अकेला करेगा, ठीक है। सारी की डेथ हो गई तो सभी के रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं है तो काम खत्म हो गया। हाँ जी, रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा वो करेगा, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं होगा ना भैया, कॉन्ट्रैक्ट बना ऐसे कैसे ना एग्री हो। अगला देखो, राइट्स भी तो आ रहा है, राइट्स में क्या होता है, अगर कोई बेनिफिट्स मिलना है तो वो भी किसको मिलेगा, सक्सेसर को। तो जब कोई बेनिफिट्स के लिए वो लायबल है तो किसी लायबिलिटी के लिए भी तो वो है ना, दोनों बातें हैं। अगर कुछ किसी के जाने के बाद कई फायदे होते हैं जो उसके रिप्रेजेंटेटिव को मिलते हैं, तो ऐसे कई नुकसान होते हैं जो भी रिप्रेजेंटेटिव को झेलने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो दोनों की बातें आएंगी, राइट्स और लाइबिलिटीज की। अगला आएगा टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस और प्रॉमिस, इसके अंदर बड़ी बेकार सी चीजें दिखेंगी। टाइम एंड प्लेस क्या होगा, मतलब कब परफॉर्मेंस किया जाएगा और कहाँ परफॉर्मेंस किया जाएगा, कब किया जाएगा जो टाइम आपका मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में। अगर नहीं मेंशन है तो उस केस में क्या होगा, जो आपस में दोनों के दोनों तय कर ले म्यूचुअल एग्रीमेंट पे, अगर वो भी ना कर पाए उसमें भी बात है तो क्या होगा, रीजनेबल बिजनेस आवर्स, जो रीजनेबल टाइम होना चाहिए बिजनेस का उस टाइम में परफॉर्म करेंगे। सेम ऐसी प्लेस में क्या बातें आएंगी, पहला जो मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में, दूसरा अगर मेंशन नहीं है तो जो दोनों के दोनों जो आपस में एग्री कर ले, और अगर एग्री भी नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, जो भी रीजनेबल प्लेस होगा, रीजनेबल प्लेस बेसिकली लोकेशन ऑफ बिजनेस जहाँ पे वो काम करते होंगे, ये जहाँ की बात हुई होगी वहाँ पे परफॉर्मेंस किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी बड़े बेकार से चलेगा। अगला आता है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस और एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। पहले तो परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस आपको पता है, जहाँ पे दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना है कुछ ना कुछ, आपस के प्रॉमिसेस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वहाँ पे परफॉर्म करना है, तो उसकी परफॉर्मेंस होगी और कुछ खास नहीं है। दो पार्टीज है वो परफॉर्म करेंगी एक दूसरे के प्रॉमिसेस के अगेंस्ट, वो कुछ करेगा तो उसके अगेंस्ट फिर वो कुछ करेगा, फिर उसको कुछ करेगा तो हो सकता है उसके अगेंस्ट फिर दूसरा बंदा कुछ करे, इस टाइप से रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस चल रही है, ठीक है। तो उसकी परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, आप पढ़ चुके हो, ये अवॉइड होता है ना, अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जो इम्पॉसिबल या तो शुरू से है या तो बाद में इम्पॉसिबल हो गई, अगर शुरू से होती है तो इम्पॉसिबल है, स्टार्टिंग से अवॉइड है। पहले सपोज करो पॉसिबल था, बाद में वो इम्पॉसिबल हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये वर्ड आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा, क्या बोलते हैं, सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मीन्स वो इम्पॉसिबिलिटीज जो कि स्टार्टिंग में क्या था, पॉसिबल था, बट फर्दर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या हो गया, वो इम्पॉसिबल हो गया बाय एनी रीजन, ठीक है। जो वॉइड तो वो होगा जो स्टार्टिंग से है, वॉइड ये भी है बट ये फर्दर जाके वॉइड हुआ, स्टार्टिंग में क्या था, वैलिड था। अरे मैं बता रहा हूँ ऐसी बातें आएंगी, चाहिए ये हेडिंग पढ़ रहे हैं,
इसके तो दो बातें आएंगी, एक पहले से इम्पॉसिबल था, एक बाद में इम्पॉसिबल हुआ। पहले से वो तो वर्ड है ही है, बाद में जो हुआ उसको भी वर्ड ही कहते हैं, लेकिन उसका नाम कुछ और है, उसका नाम है सुपर मीनिंग इम्पॉसिबल। दोनों बातें हैं, दोनों के दूसरे वाला भी वर्ड होगा लेकिन उसका अलग से नाम है। क्या नाम है? सुपर मीनिंग इम्पॉसिबल। बस और कुछ नहीं। आपसे अगर कहा जाए कि सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है तो आप उसको इस तरीके से बताओगे परफॉर्मेंस जो कि पहले पॉसिबल हुआ करती थी, बट फ्यूचर में किसी भी चीज से लॉ बदल गया, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, कुछ भी टाइप की चीज हुई जिससे कि आपको पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल हो गया, तो वो क्या कहलाता है? सुपर मीनिंग। ठीक है, पढ़ेंगे अभी आएगा तो और भी ले रहे हैं। आगे अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट है, इसके अंदर कुछ नहीं, छोटी सी एक टॉपिक चलेगा, तीन चार लाइन का है, अभी पढ़ लेंगे तब देख लेंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है। अप्रोप्रिएशन का मतलब ऐसे तो बांटना होता है, ठीक है, बाकी अभी इसके अंदर आएगा जब देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, इसके अंदर क्या बातें होंगी कि भैया वो सारे कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस की आवश्यकता नहीं है। परफॉर्मेंस की आवश्यकता कब नहीं होगी? जब सामने वाला कहते मत करो, या आपको ऐसा काम है जो आप पहले कर चुके हो एग्जीक्यूटिव टाइप का है, तो उसके अंदर फर्दर आपको परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, या फिर वो परफॉर्मेंस आपने म्यूचुअल कंसेंट में एग्री कर लिया है, या परफॉर्मेंस आपने किसी और से करवा दिया तो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप की कुछ चुट्टी मुट्टी बातें हैं इसके अंदर। मुद्दा है कि आप यहाँ पे काम नहीं करोगे। और लास्ट आएगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा? जब काम हो जाए, जब परफॉर्मेंस हो जाएगी, या फिर वो कह रहे हैं परफॉर्मेंस मत करो तभी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा। मतलब कब डिस्चार्ज, कब खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, चाहे आप कैसे भी करके उसको सेटल कर लो या फिर जो काम कर रहा था वो काम कर लो। अब सेटल करने की बतरी वैरायटीज हो सकती है, वो सारे वहाँ पॉइंट्स में दिखाई देंगे हमें इसके अंदर। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है कि डिस्चार्ज कब होगा। डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं कि कब खत्म हो, मतलब कब वो कैंसिल हो गया, कब वो खत्म हुआ, प्रॉपरली खत्म हुआ कॉन्ट्रैक्ट हमारा, तो वो कब होगा उसकी सारी बात आएंगी। तो मोटा मोटा वही कि जब परफॉर्मेंस हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके अलावा और भी चीजें जब म्यूचुअली आप एग्रीड करोगे और उसको आपस में निपटाओगे। ठीक है जी, ये आपका चैप्टर है पूरा पूरा, इतने सारे पॉइंट्स जो आपको पढ़ने हैं। अब रीड कर सकते हैं, ये लॉ में कैलकुलेटर चलाओगे? बहुत बढ़िया, मजबूती कैसे पता लगेगी? ध्यान नहीं हमारे लड़के का। चलो देखो, कोई बात। दिस यूनिट एक्सप्लेन हु मस्ट परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, व्हाट शुड बी द मोड ऑफ परफॉर्मेंस एंड व्हाट शुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। इसके अंदर ये सारी बातें हैं कि भैया कौन परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा और नहीं करेगा तो क्या होगा। इस यूनिट के अंदर जो हमने पढ़ना है, सबसे पहले आता है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस इट्स परफॉर्मेंस इज डिस्पेक्ट व्हिच और एक्सक्यूज अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ऑफ एनी लॉ। मतलब क्या कह रहा है कि भैया या तो आपका परफॉर्म करना पड़ेगा जो आपने प्रॉमिस किया हुआ, या फिर वो आपका डिस्पेंस्ड हो जाए, कैंसिल हो जाए, रद्द हो जाए, क्या एक्ट के तहत या किसी और लॉ के तहत जो आपका परफॉर्मेंस करना था वो आप करने लायक नहीं रहा, इसी तरीके से वो कैंसिल हो गया, तो आपकी परफॉर्मेंस वहां पर मान ली जाएगी कि हो गई खत्म। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर, जो प्रोमिसर है उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी बाइंड करती है इन केस ऑफ क्या, डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अनलेस की कुछ के अंदर कुछ ऐसा कुछ लिखा हो जिसमें ये साफ साफ लिख गया हो कि निजी रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व नहीं होंगे तो अलग बात है, बट इन जनरल सेंस वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे अगर परफॉर्मेंस से पहले डेथ हुई है तो। ये पॉइंट हमने देखा, ये और भी बता रहा है बस यहाँ पे। एग्जाम्पल देखो क्या है, ए प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज 1 lakh, ए डाइज बिफोर दैट डे, A's representative are bound to deliver the goods to B and B is bound to pay 1 lakh to A's representative. Normal सी बात थी। Example number 2. A promise to paint a picture for B by a certain day at a certain place. A dies before day. The The contract cannot be enforced either by A representative or because
और बाय बी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ पर्सनल स्किल इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर. ये वो वही होगी कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है कि भैया यहाँ पे कुछ ऐसी चीज थी जो कि उसके रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकते, जो उसकी स्किल पर डिपेंड करता था. भैया कोई अगर पेंटर है मस्त वाला तो ऑब्वियसली बात है जरूर नहीं उसका रिप्रेजेंटेटिव भी पेंटर हो, वो पता लगे कुछ लिपा पोती करके आ गया. नहीं कर सकता सीए का काम उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता. ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर कोई ऐसी स्किल की जहां पे बात इन्वॉल्वमेंट है जो कि दूसरा बंदा नहीं परफॉर्म कर सकता तो वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही होगा, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव आपका इन्वॉल्व नहीं हो सकता. एनालिसिस नहीं पढ़ रहे हैं, एनालिसिस आप पढ़ लेना, उसी बातों को डिटेल में लिखा हुआ होगा. आगे thus from the above it can be drawn that performance may be actual or offered to perform. ये क्या actual performance का मतलब क्या है? जब हमें party खुद खुद perform करेगी, खुद खुद perform करने का मतलब where a party to a contract has done what he had undertaken to do or either of the parties have fulfilled their obligation under the contract within the time or in a manner prescribed. Actual performance वही तो है कि जो भी उसमें काम करना था, जो हमारे contract में लिखा हुआ था, जिस time place जो भी सारी चीजें according थी, उस according हमने उस काम को करके खत्म कर दिया, तो वो हमारा क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस. ऑफर टू परफॉर्म आएगा, उससे पहले एग्जांपल देखो जरा क्या है. दो बातें आ रही है, एक आ रहा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगा, दूसरा ऑफर टू परफॉर्म आएगा. एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब है कि जिसको परफॉर्मेंस करनी चाहिए तो परफॉर्मेंस कर दी. ठीक है, एग्जांपल क्या है? एक्स बोरोस रुपीज 5 लाख फ्रॉम वाई विद अ प्रॉमिस टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ. एक्स ने रिपे कर दिया अमाउंट ड्यू डेट पे, तो ये क्या है? बच्चों की बात नहीं चल रही अभी तक. अगला ऑफर टू परफॉर्म में देखो क्या है. Offer to perform or attempted performance or tender of performance. It may happen sometimes when the performance becomes due. The promiser offer to perform his obligation, but the promisee refuses to accept the performance. मतलब क्या है? Example देखते हैं पहले, फिर दोबारा समझेंगे. P promised to deliver certain goods to R. P ने कहा था भैया कुछ सामान है, किसको देके आएगा? R को देके आएगा. P takes the goods to the appointed place during the business hours, but R refuses to take the delivery of the goods. This is an attempted performance as P, the promiser, has done what he was required to do under the contract act. जो भी है, मतलब क्या है कि भैया जिसको performance जो करनी थी, उसने वो performance करने की कोशिश की, सामने वाला उस performance को accept नहीं कर रहा, by any reason, जो भी हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? हमारा वो performance हुई या नहीं हुई? हुई, पर वो एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है, वो क्या है? हमारा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है या ऑफर टू परफॉर्म. ठीक है, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि भैया उसने तो डिलीवर किया, आपने नहीं लिया वगैरह वगैरह, वो अलग बात है. मुद्दा आएगा परफॉर्मेंस का कि क्या उसने परफॉर्मेंस किया या नहीं किया. वो किया है, लेकिन उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्म. अलीज वेल, तो दो बातें आई परफॉर्मेंस की, यहाँ पे दोनों की एग्जाम्पल आ गए. By whom a contract may be performed? बताओ जी किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा? कह रहे हैं person by whom promise is to be performed section 40 क्या है? If it appears from the nature of the case that it was intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser. In other case, the promiser or his representative may employ a competent person to perform it. सिंपल सी बात है, वो ऐसी चीज है जिसमें जो प्रोमिसर है वो खुद ही उसका परफॉर्म कर सकता है, तो खुद ही परफॉर्म करेगा जहां पे ऐसी कोई स्किल या कोई ऐसी चीज इन्वॉल्व है, और नहीं अन्यथा वो क्या कर सकता है कि किसी रिप्रेजेंटेटिव को या किसी थर्ड पार्टी को भी अपॉइंट कर सकता है उस काम को करने के लिए. सामने वाले को तो काम से मतलब है, बट ऐसी कोई चीज है जहां पर उसकी स्किल चाहिए प्रॉपरली, तो फिर वहां को वो अपॉइंट नहीं कर पाएगा, वहां उसको खुद ही करना पड़ेगा, जो हमारा पेंटिंग वाला एग्जाम्पल आया. ठीक है अमन, तुम क्या खोए खोए लग रहे हो? नींद आ रही है. ठीक है जी, नॉर्मल पे अगर आपने ये भी एग्जांपल बताए, एग्जांपल क्या है? ए प्रॉमिस टू पे बी अ सम ऑफ मनी. ए ने कहा बी को कि कुछ पैसे देगा. ए मे परफॉर्म दिस प्रॉमिस इधर बाय पर्सनली पेइंग द मनी टू बी और बाय कॉजिंग इट टू बी पेड टू बी बाय अनदर. And if A dies before the time appointed for the payment, his representative must perform the promise or employ some proper person to do so. क्या कह रहा है भैया? A को कुछ पैसे देने थे. A खुद दे सकता है, चाहे तो कह सकता है किसी और को तुम दे दो भैया. A की डेथ हो गई तो उसका representative पे कर सकता है, या तो वो भी कह सकता है कि किसी और को कि भैया तुम दे दो.
सिंपल सी बात है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस होने से मतलब है। और यहाँ पे कोई स्किल नहीं है तो यहाँ पे वो भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, परफॉर्मेंस करनी है बस पेमेंट की। नेक्स्ट आता है एग्जांपल टू, ए प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर, भाई चीज सेम चल रही है, ए प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी एंड दिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, ये सिर्फ वही वही कर सकता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव या कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता इस काम को। अच्छा, ये एग्जाम्पल का ना यूज आपको करना है अपने एग्जाम में, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको देखो ये बिल्कुल गिरे हुए एग्जाम्पल है, ऐसा भी कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ हाई फाई चल रहा है। मंशा आपसे ये होती है एग्जामिनर की कि भैया आप जो यहाँ पे किताबों में एग्जाम्पल यूज किए गए थे उन्हीं को आप अभी तक थोड़ा सेंटेंस आगे पीछे कर दो, बट कहीं ना कहीं संकेत आप वही करो। अब यहाँ पे दो बातें चल रही है, एक खुद परफॉर्म वाली, एक पेंट वाली, जहाँ पे प्रोमिसर खुद करेगा, और दूसरा चल रहा है आपका कि कोई और भी कर सकता है। उसके लिए एग्जाम्पल बहुत सारे उटपटांग बनाए गए, ऊपर से ऊपर भी दो चार एग्जाम्पल आए। अब जैसे पेंट वाला एग्जाम्पल आप देख रहे हो भैया, जहाँ भी हिमसेल्फ वाला है वो पेंट ही यूज कर रहे हैं, आप बोलो जी हम तो डॉक्टर वाला पेपर में करके आएंगे, सही वो भी है, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे कि भैया आप कौन सा एग्जाम्पल लिखो, पेंट वाला, क्योंकि किताबों में कई जगह पेंट वाला ही आ रहा है, तो क्यों होशाना बनना, और उसमें कोई कमी नहीं है एग्जाम्पल में, और आपको कैसा टफ भी नहीं लग रहा है एग्जाम्पल, तो जरूर एग्जाम में जो यूज करो आप एग्जाम्पल वो कौन सा यूज करो, पेंट वाला एग्जाम्पल यूज करो, ठीक है सर। चलिए जी, नेक्स्ट है एनालिसिस, एनालिसिस का पढ़ लेते हैं, वैसे कुछ खास है नहीं, वही चीज है कि परफॉर्मेंस जो होगी वो तीन लोगों के द्वारा हो सकती है, नंबर वन आ रहा है प्रोमिसर हिमसेल्फ, नंबर टू आ रहा है उसका कोई एजेंट हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। एग्जाम्पल देखो ए वाले का, ए वाले का एग्जाम्पल दिख रहा है, फिर से पेंट कर रहा है वो, क्योंकि प्रोमिसर हिमसेल्फ है, जब वो खुद ही कोई काम करेगा तो वहां पर एग्जाम्पल कौन सा सेट करेगा, पेंट वाला, ठीक है। ए प्रोमिस टू पेंट अ पिक्चर तीसरी बार आया, एक पन्ने सवा पन्ने के अंदर, A promised to paint a picture for B and this must be performed by the promiser himself. Agent वाले में क्या है भैया कि अपने agent को कह सकता है कि तुम ये काम करो, जो भी काम वहाँ पे करना है। और legal representative में क्या होगा कि जब वो नहीं रहा तब बारी आएगी किसकी, legal representative की, तो वो death का case होगा वहाँ, ठीक। Example देखें जरा, example number one, A promised, मैं नहीं खेल रहा, एक same ही same example डाल रहे हैं। A promises to B to pay 1 lakh on delivery of certain goods. ठीक है जी, goods मिलेगा तो 1 lakh rupees देगा। A may perform this promise either himself or causing someone else to pay the money to B. या तो खुद दे सकता है या किसी और को कह सकता है भैया तुम दे देना। If A dies before the time appointed for payment, तो उस केस में his representative must pay the money or employ some other person to pay the money. उसके डेथ के बाद या तो representative खुद दे देगा या वो किसी और को कहेगा तुम दे देना भैया। If B dies before the time appointed for delivery of goods, B, the B's representatives are bound to deliver the goods to A and A bound to pay. वही है कि भैया अगर उसकी डेथ हो गई तो वो डिलीवर करेगा गुड्स को और उसके बदले उसको पैसे मिलेंगे 1 lakh rupees रिप्रेजेंटेटिव। ये एग्जांपल भी आया था पहले। नहीं, दोनों बातें आ गई ना इसमें, आ तो गई। मेरे को सामान देना था, आपको पैसे देने थे, मेरी डेथ हुई तो सामान कौन देगा, रिप्रेजेंटेटिव देगा, और पैसे आप उसको दोगे रिप्रेजेंटेटिव को दोगे। आपकी डेथ हुई तो उस केस पे पैसे कौन देगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव देगा, और सामान भी कौन लेगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव देगा। नहीं लिया तो भाई लड़के खत्म कर लेना उसको यार, आप तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं ना अभी, नहीं लिया तो खत्म हो गया भैया, ठीक है। कंसिडरेशन नहीं गई ना यहाँ पे, किसी का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना, अगर किसी के ना लेने की वजह से किसी का नुकसान हो रहा होगा तो वो उसके ऊपर केस करेगा और जो उसको नुकसान होगा वो उससे क्लेम करेगा। ये नॉर्मली आपने पढ़ा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब पता लगा मैंने सामान खरीद लिया कहीं से और वो सामान मैंने सिर्फ इन्हीं को बेचने के लिए खरीदा था, ये तो लुढ़क गए, इनका रिप्रेजेंटेटिव कह रहा मैं नहीं ले रहा, अब मैंने तो वो सामान खरीदा था सिर्फ इन्हीं के लिए, मैं किसी और को बेचूंगा तो वो बिक नहीं रहा सपोज, या बिक रहा है तो जो मैंने इनसे 1 lakh का कॉन्ट्रैक्ट किया था सामने वाला कोई 80,000 का खरीदने को तैयार है तो मैं क्या बोलूंगा, कितना नुकसान हुआ मेरा, 20,000 rupees का निकालो तो, ठीक है ना। तो इस टाइप से कि अगर आपका कुछ उससे नुकसान है, जनरल सेंस में वो 1 lakh rupees सामान मैं इनको बेचता हूँ, किसी को भी बेचता हूँ, किसी को भी बेचता हूँ, ये नहीं ले रहा, किसी और को बेचता हूँ, जाओ भाई मतलब, ठीक है ना, आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, आगे आगे आगे, आगे। फिर देखो एग्जाम्पल नंबर टू, फिर से वही है कि भैया पेंट करेगा, ये पेंट करके मारेगा। A promises to paint a picture for B for a certain price. A is bound to perform the promise himself. A को भैया वो पेंट करना पड़ेगा और पैसे लेने पड़ेंगे, बेकार की बातें। आओ जी फोर्थ पॉइंट में क्या आ रहा है, थर्ड पर्सन। अभी तो तीन बातें आई, ये आपके ना पॉइंट में केस स्टडी में आ सकता है, तो आप क्या लिखोगे कि भैया परफॉर्मेंस किस किसके द्वारा हो सकती है, खुद कर सकता है,
एजेंट कर सकता है, एजेंट और थर्ड पर्सन एक ही बात है, पर एजेंट थर्ड पर्सन मोटा मोटा तो एक ही बात है ना भैया, बट कहीं ना कहीं वो एजेंट वो कह रहे हैं जिसको उन्होंने प्रॉपरली अपने पास ऑथराइज किया हुआ है कि भैया ये मेरे बदले काम करने योग्य, और थर्ड पर्सन कौन है जो ऑथराइज नहीं है, एरा गैरा नत्तु गैरा, कोई भी थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है, तो चार पॉइंट आ गए इसके अंदर, हिमसेल्फ, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव और थर्ड पर्सन, ठीक है ना। वो अभी देखते हैं, थर्ड पर्सन का बताओ जरा, थर्ड पर्सन में कुछ खास नहीं होना, वो तीसरे बंदे को कह दिया भैया तुम परफॉर्म करोगे, एग्जांपल देख लेते हैं सीधा सीधा, ए रिसीव सर्टेन गुड्स फ्रॉम बी प्रॉमिसिंग टू पे कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख भी 7000 चलेगा हमारे। लेटर ऑन ए एक्सप्रेसेस इनएबिलिटी टू मेक पेमेंट, सी हु इज नोन टू ए पे 60000 टू बी ऑन बिहाफ ऑफ ए, हाउएवर ए वाज नॉट अवेयर ऑफ द पेमेंट, नाउ बी इज इंटेंडिंग टू सू ए फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख। क्या कह गया, क्या कह गया, ए रिसीव करता है कुछ गुड्स बी से और कहता है भैया मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, ए ने बता दिया कि भैया हमारे पास पैसे ना है, सी जो कि ए को जानता था उसने 60000 रुपए दे दिए बी को उसके बिहाफ पे कि लो भैया मैं देता हूं 60000 रुपए, और ए को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब बी कह रहा है कि भैया मैं तुम्हें सू करूंगा 1 लाख रुपए निकालो, ठीक है, तो क्या ऐसा हो पाएगा, नहीं, वो मैक्सिमम जो अगर केस करता भी तो कितना कर पाएगा, एक को पता नहीं है, बट ऐसा जो उसको पैसे तो मिल गए ना, जब सू तक बात पहुंचेगी तो पता लगेगा नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं तो सी भी कभी ना कभी उससे लेगा पैसे, आज उसने चलो जी गुड फेथ में कर दी है उसके बदले पेमेंट, बट कभी ना कभी तो रिकवर करेगा ना, तो जब सू तक बात जाएगी तो एक्चुअल में होगा क्या कि भैया वो जो लाइबल है वो कितने के लिए, सिर्फ 40000 के लिए लाइबल है, तो आप रिकवर मैक्सिमम कितना कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 40000, कहीं ना कहीं पर पेमेंट आपके थर्ड पर्सन के द्वारा हो गई है, चाहे उसको पता हो चाहे ना पता, ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे एज पर सेक्शन 41 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 व्हेन अ प्रॉमिस A promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterward enforce it against the promiser. वही पॉइंट आ रहा है ऊपर वाला ही कि भैया अगर आपको परफॉर्मेंस मिल गई तो आप प्रोमिसर को जाके नहीं पकड़ोगे कि भैया लाख काम करके दे, नहीं जी तुम्हें तो मिल गया ना उसकी परफॉर्मेंस। आगे दैट इज परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी प्रोड्यूसेस द रिजल्ट ऑफ डिस्चार्जिंग द प्रोमिसर ऑल्दो द लेटर has neither authorized nor ratified the act of the third party. Therefore, in the present instance, B can sue only for the balance amount 40,000, not for the whole amount. Simple सी बात है, अगर आपको उसकी performance हो गई तो promisor उतने से relieve हो गया, उतने से वो relieve हो गया है, उसको वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला point आया joint promisor, इसके अंदर बताओ क्या होगा joint promisor, यहाँ पे भी simple सी बात है कि जो मैंने starting में बताया कि कई सारे लोग होंगे promisor होंगे, किसी ने नहीं करा तो जो बचे हुए होंगे वो करेंगे और जो नहीं रहे उसके रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, और अगर सारे हैं तो मिलकर परफॉर्म करेंगे, नॉर्मल सी बात चलेगी। पढ़ लो, व्हेन टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस इकट्ठा, देन अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल सच पर्सन मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस, मिलजुल के करेंगे परफॉर्म। इफ एनी ऑफ वन देम डाइज हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट जॉइंटली विद द सर्वाइविंग प्रॉमिसर फुलफिल द प्रॉमिस, मतलब जो जीवित व्यक्ति है और जो मृत व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है वो मिलके काम करेंगे। आगे इफ ऑल ऑफ देम डाइड, सारे लोग गए, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑफ देम मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस जॉइंटली, जो उन सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो मिलके उसको परफॉर्म करें। और मतलब एग्जांपल देख, ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे कितना 6 लाख टू डी, हियर ए बी एंड सी मस्ट जॉइंटली परफॉर्म द प्रॉमिस, इफ ए डाइज बिफोर द परफॉर्मेंस then his legal representative must jointly with B and C perform the promise and also and so on, and if all of the three dies, जो ABC तीनों लुढ़क गए तो क्या होगा उस केस में, जो उनके representative होंगे वो 6 लाख रुपए को इकट्ठा करके वो pay करें। कुछ खास नहीं चल रहा अभी तक, मैं बताऊँ कोई दिक्कत है किसी को, ये एक्चुअल में वैसे आपके सेल्फ स्टडी में भी कवर हो सकता था, अब थोड़ा बहुत कुछ टेक्निकल वर्ड आएंगे, अभी तक कुछ टेक्निकल वर्ड भी नहीं आया मेरे ख्याल से, आप खुद भी पढ़ते तो आपको एग्जांपल ऐसे गिरे हुए हैं कि आपको समझ आता अच्छा ये चल रहा है, अब ये था मतलब इस टाइप से है कि नहीं, लड़का हंसता नहीं है जब बोलो तो डराता है सीधा। ऑफर टू परफॉर्म का सर मतलब इतना सा है कि आपने परफॉर्म करने का प्रयास किया, सामने वाले ने उस परफॉर्मेंस को कंप्लीट नहीं होने दिया, तो आपकी लायबिलिटी तो नहीं है,
आपने अब एट द एंड क्या होगा, आपने जितना परफॉर्म कर दिया होगा या तो आप उतना अमाउंट लेके अपने आप को सेटल कर लोगे, या तो रिजेक्ट कर दिया तो आप उसको सू करोगे वगैरह वगैरह जो करोगे। मुद्दा है इसकी जिसकी परफॉर्मेंस की लायबिलिटी थी उसने परफॉर्मेंस के पूरे सक्षम प्रयास किए बट वो सफल नहीं हुआ, तो वो है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या फिर ऑफर्ड परफॉर्मेंस, और जहां पे वो सफल हो गया वो एक्चुअल परफॉर्मेंस। हां जी, ऑल आर सिनोनिम्स, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सक्सेशन एंड असाइनमेंट। ये क्या है सक्सेशन एंड असाइनमेंट, ये क्या? अब इसमें मैं आपको एक बात कह रहा हूं, एक पैराग्राफ है, ठीक है, इसको आप खुद से पढ़ो, मैं इसको पॉज कर रहा हूं एक मिनट के लिए, और मुझे आप मतलब बताने का प्रयास करो कि क्या है, दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। एक छोटा पैराग्राफ है, यही टॉपिक है, इसके ऊपर एक छोटा सा आपको शॉर्ट नोट लिखने का आ सकता है, और इससे इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एरिया में से एक है, तो मैं इसको एक मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, मैं इसको चार्ज में भी लगा दूंगा जब तक। हाँ जी बताओ, क्या समझ में आया? पहला सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब क्या है? अच्छा, और असाइनमेंट में क्या है? और कोई बोलेगा कुछ? मतलब मोटा मोटा ये बात है कि भैया सक्सेशन में आपकी बेनिफिट्स भी ट्रांसफर होती हैं और लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर होती हैं, बट लाइबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट्स ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि सपोज ए है और उनका बेटा है, ए की डेथ हो गई तो जो उनका बेटा है सपोज एक्स, उनकी प्रॉपर्टी का हकदार बनेगा और उनकी लाइबिलिटीज का भी बनेगा। आप पता लगे उनके पिताजी ने लोन इतने दे रखे थे कि वो पूरी प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी लोन बच गया सपोज 5-10 लाख रुपए, तो क्या वो उसको देगा? नहीं देगा, बोलेगा भैया उतना ही तुम्हें दे पाऊंगा जितनी पिताजी की प्रॉपर्टी थी और वो बेच के, अपनी प्रॉपर्टी में से नहीं देगा, क्योंकि सक्सेशन में जो उसको प्रॉपर्टीज मिली है, एसेट्स मिले हैं, और जो लाइबिलिटीज मिली है वो लाइबिलिटीज अगर ज्यादा है एसेट से तो जितना एसेट होगा उतना भुगतान करेगा, बाकी उनका पैसा डूब गया। अगर लाइब्रेरीज कम है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भुगतान करेगा और जो बच जाएगा एसेट वो उसका हो जाएगा, उसके बेटे का। ये असाइनमेंट में क्या है कि असाइनमेंट में ट्रांसफर ही असाइन होना है, यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, कोई रिश्ता नहीं है, मैं कुछ असाइन करना चाहता हूँ, तो तुम इसे क्या लोगे? सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ही लोगे, लाइब्रेरीज लोगे ही नहीं पहली बार। अगर दोनों साथ में देना चाहूंगा तो वो असाइनमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है, सक्सेशन नहीं होगा, वो एक डिफरेंट टर्म हो गया बट वो असाइनमेंट नहीं कहलाएगा। असाइनमेंट मतलब क्या है, सपोज मैं तुम्हें एक बेनिफिट दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भैया तुम्हें इससे 1,00,000 रुपए लेने भी हैं बट उनको 40,000 रुपए देने भी हैं, ठीक है, तो मैं वो चलो कोई दिक्कत नहीं, 60,000 का बीच में फायदा है मेरा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस ठीक है वैलिड है, बट ये असाइनमेंट नाम नहीं कहलाता है। असाइनमेंट तभी कहलाएगा जहाँ पे मैं सिर्फ तुम्हें मैं रिकवर करने की राइट दे रहा हूँ, कुछ लेना है तुम्हें, किसी को चुकाना नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बेनिफिट है, तो उसको एक टर्म दिया गया क्या असाइनमेंट का, जहाँ पे हम बेनिफिट्स ट्रांसफर करते हैं, असाइन करते हैं, ठीक है ना, असाइन कर रहे हैं किसी को, हाँ जी, सिर्फ बेनिफिट्स, लाइबिलिटीज नहीं, चाहे लाइबिलिटीज कम हो तो भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए बेनिफिट्स होना चाहिए। सक्सेशन में क्या है कि दोनों चीजें जाएंगी ऑटोमेटिकली जाएंगी और टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट जाएगा, किसमें असाइनमेंट में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व क्यों नहीं होगी, थर्ड यार पढ़ लो यार तुम छोड़ो फिर पढ़ ही लेना चाहिए था। चलो डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू लीगल कॉन्सेप्ट विद सक्सेशन एंड असाइनमेंट बी नोटेड केयरफुली व्हेन द बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर सक्सीडेड टू बाय प्रोसेस ऑफ लॉ देन बोथ बर्डन एंड बेनिफिट्स बर्डन भी और बेनिफिट्स भी अटैचिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट में समटाइम्स डिवॉल्व ऑन द लीगल हायर, लीगल हायर के ऊपर चला जाएगा जो इसका रिप्रेजेंटेटिव है बेसिकली। Suppose a son succeeded the estate of his father after his death, he will be liable to pay the debts and liabilities of his father. दोनों के दोनों चुकाएगा और during his lifetime, जो उनके पिताजी के जीते थी था. But if the debts owed by his father exceeded the value of estate inherited by the son, अगर उससे ज्यादा है उसकी liability, then he would not be called upon to pay the excess. जो भी excess है वो देने के लिए liable नहीं है.
In other words, the liability of the son will be limited to the extent of the property inherited by him. जो भी property उसको मिली है, उतने तक की liability क्या है? Limited है, उससे ज़्यादा नहीं है. ये simple था. Next. सर ही है, मतलब उसके पापा भी नहीं लगाएगा property. नहीं लगा. In the matter of assignment, however, the benefit of a contract can only be assigned. But not the liabilities they are under. Contract के सिर्फ benefit दिए जाएंगे, liabilities नहीं जाएंगे. This is because when liability is assigned, a third party gets involved there. अगर liability assigned होगी तो तीसरा party क्या होगा? यहाँ पे involved हो जाएगा recover करने में. जो तुम third party का point कर रहे हो ना, third party involved होगा pay करने में, तो दिक्कत नहीं है. But third party involved हो जाएगा अगर recover करने में, तो दिक्कत है. ठीक है ना? उसके rights हो जाएंगे ना वहाँ पे, तीसरे party के rights आ जाएंगे वहाँ पे. हाँ जी, तो इसलिए वो वाला चीज़ यहाँ पे नहीं लगेगी. अभी बता रहे तुम्हें, तुम तो सीधा मान ले, तो समझ नहीं आया. Thus, a debtor cannot relieve himself of his liability to a creditor by assigning someone else his obligation to repay the debt. मतलब मुझे तुम्हें पैसे चुकाने हैं, और मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता कि ये मैं नहीं चुकाऊंगा, ये चुकाएगा और मैं चलता बना. ठीक है ना? क्योंकि मैं क्या असाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, liabilities. तो पंगा क्या आएगा? तुम्हारा. तुम बोलोगे भैया उसने नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं मैं अभी भी हूँ यहाँ पे, मेरा assignment process नहीं चलेगा. बट यही चीज अगर मैं कहता हूँ कि मुझे तुमसे कुछ पैसे लेने थे, मैंने कहा जी मैं नहीं लूंगा, अब ये लेगा, तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी? तुम्हें तो दे नहीं है, तुम जिस मर्जी को दो. अरे बस यही तो बताना चाह रहे थे, अब आ गया. कैसे मान लेते पहले, हार मान जाते. आगे, on the other hand, वही चीज़ कह रहा है, if a creditor assign the benefit of the promise, creditor जो है, जिसको पैसे लेने हैं, वो assign करता है अगर benefits अपना किसी और को, he thereby entitles the assigned to realize the debt from the debtor. ये इसको कह सकता है कि तुम realize करो, चलेगा ऐसा. But where the benefit is coupled with the liability, अगर उसमें benefits के अंदर कुछ liability भी है जुड़ी हुई, और when a personal consideration has entered into the making of the contract, then the benefit cannot be assigned. उस केस में आपका benefit assigned नहीं हो सकता, जहाँ पे आपकी liabilities भी जुड़ी हुई है. ठीक है, वो प्रोसेस हो सकता है, बट उसको हम असाइनमेंट का नाम नहीं देते. ठीक है ना? वो एक वैलिड ट्रांजैक्शन होगी, असाइनमेंट नहीं होगा. ऑल इज वेल, ये दोनों चीजें कुछ खास नहीं है. एक छोटी सी केस स्टडी आती है इसके ऊपर, कुछ नहीं, दो चार ना आप देखोगे अपने आरटीपी एमटीपी में, तो उसके ऊपर कुछ बातें हैं. उसके अंदर बस ऐसी केस स्टडी बनी हुई है, और आपको बस वो कहता है कि रिजल्टिंग क्या हुआ, असाइनमेंट बना या सक्सेशन बना, और उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट लिखोगे कि क्यों ये असाइनमेंट बना, ऐसे क्या आपको कहानी में झलका जिससे ये असाइनमेंट लगा आपको. हाँ जी, विद आंसर. टेंशन ना लो, टेंशन में आ गया, आंसर कहाँ से आएगा. अगला, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा है. मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि मैं तुम्हें ये काम करके दूंगा, तुमने कहा हमें नहीं चाहिए. ठीक है, मतलब मैंने जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया, तुमने उसको रिफ्यूज कर दिया, तो अब आगे कहानी कुछ है क्या? तुम कर तो बोल सकते हो कि आपने क्यों नहीं किया. मैं तुमसे कह सकता हूँ लो जी पैसे निकालो, मैंने ये काम कर दिया. नहीं, क्योंकि तुमने तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया. ये टॉपिक है, ये है गिरा हुआ. बढ़ो जरा. हाँ, टेंशन लगा दे लड़के. Where a promisor has made an offer of performance to the promisee and offer has not been accepted, accept नहीं किया गया, the promisor is not responsible for not performance. जो promisor है वो responsible नहीं होगा not performance. ये point पहले भी आया कभी ना कभी. Nor does he thereby lose his right under the contract. कोई right भी इसका कोई यहाँ पे lose नहीं हुआ. मोटा मोटा क्या घटना घटी है? Every such offer must fulfill certain condition. आपने पढ़ा हुआ है कि भैया offer के अंदर कुछ एक condition fulfill होनी चाहिए. पहला, it must be unconditional. It must be made at a proper time and place and such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what is it bound by his promise to do. क्या मतलब? भैया प्रॉपर टाइम और प्लेस होना चाहिए, और जिसको मैंने ऑफर दिया है उसके सर्कमस्टांसेस भी कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि वो उसको समझ पाए, देख पाए, पढ़ पाए, उस पर जवाब दे पाए. अगर वो ऐसे हालत में ही नहीं है तो आपका ऑफर क्या है यहाँ पे? गलत. मतलब मैं जो कंडीशन अगर डाल रहा हूँ, पहले तो अनकंडीशनल है, बट अगर मैंने उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है तो वो उसको समझने योग्य है, उसको परफॉर्म करने योग्य है. ये सारी चीज़ें, ऑफर तो हमेशा ही होगा ना ये सोच के कि भैया मेरे को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, मजे लेने के लिए तो होगा नहीं.
तो वो वाली चीज है, तो उस चीज के लिए आपकी सारी सर्कमस्टांसेस जो है वो परफेक्ट कंडीशन में होनी चाहिए जितनी भी सिचुएशन है। अ काइंड ऑफ कुछ कुछ इस प्रकार। अगला सेकंड देखो सेम टू सेम, इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी देन द प्रोमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सेइंग दैट द थर्ड ऑफर द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग व्हिच इज द प्रोमिसर इज बाउंड बाय द प्रॉमिस टू डिलीवर। ये बिल्कुल बेकार सी बात कहा गया कि भैया अगर कुछ डिलीवरी यहाँ पे होनी थी तो सामने वाला आपको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो उसको चेक कर पाएगा कि भैया जो डिलीवर करने के लिए कहा गया था वही डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ। लास्ट में कह रहे हैं ऑफर ऑफ वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रॉमिसेस हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। मतलब क्या कह रहा है कि भैया अगर जॉइंट प्रॉमिसेस होंगी तो वो भी माना जाता है कि एक सिंगल में जो बातें होती हैं वही सारी बातें जॉइंट प्रॉमिसेस में भी एप्लीकेबल होंगी। जो भी रूल्स आपके एक सिंगल ऑफर में लगते हैं वही सारे सारे जॉइंट ऑफर में भी लगेंगे। डिलीवर का बेसिकली मतलब सर ऐसा है यहाँ पे कि मैंने आपको कोई परफॉर्मेंस की थी या कोई प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ चीज डिलीवर करूंगा, अब डिलीवर मैंने आपको कर दिया और मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे रहा कि आप उसको चेक कर पाओ कि ये वही चीज है कि नहीं जो मैंने आपको देना था, तो वो गलत है, वो नहीं है। वो होना चाहिए कि मैंने अगर आपको कुछ डिलीवर की है तो आपके पास एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए जिसमें आप ये चेक कर पाओगे कि जो चीज का वादा हुआ था वही वादा वाली चीज आपको मिली है या नहीं मिली, और अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो फिर वहां पे वो गलत है आपका, वो वैलिड ऑफर के सेंस में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जो हेडिंग बोल रहा है वो हेडिंग तो पहले में ही खत्म हो गया पहले पॉइंट में, ये सिर्फ ये अलग से इसने एक कंटेंट डाला हुआ है यहाँ पे कि हर एक ऑफर के अंदर ये सारी बातें होनी चाहिए, ये अलग से कंटेंट है। जो आपकी हेडिंग थी 4.4 वाली वो तो स्टार्टिंग में खत्म होगी, सेक्शन 38 के अंदर उतनी बातें लिखी थी जो कि आपकी कहानी खत्म कर गया। ठीक है, वो एडिशनल उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन डाली कि आपके हर एक ऑफर में ये सारी बातें कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तुम कुछ कह रहे थे भाई फ्लिपकार्ट वो नहीं देखने देते ना, बट वो मतलब रिटर्न करने का फुल्ली आपको ऑप्शन देते हैं 15-20 दिन महीना भर होता है। ठीक है, तो वो एक आपको दे रहे तो वो खत्म हो गया ना, आपके राइट्स आपको इससे थोड़े छीने गए तो आपको भर के राइट दिए भी तो गए, आप महीना महीना यूज करके भी तो वापस कर देते हो। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इफेक्ट ऑफ अ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस। इसके अंदर देखो जी क्या बात होगी, भाई साहब को परफॉर्म करना था, मैंने कह दिया भाई मत कर, तो कोई दिक्कत है कल को मैं बोलूंगा क्यों नहीं किया, तुमने तो मना किया था, क्या उसकी यहां से कोई दिक्कत आएगी? अब वो परफॉर्म करने के लिए क्या लाइबल है अगर मैंने खुद ही मना कर दिया? लाइबल नहीं है, तो ये सिंपल सी टॉपिक है, पढ़ो जरा क्या। When a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put to end the contract unless he is signified by word of conduct or his acquiescences in its continuance. क्या कह गया ये नहीं जो मैंने कहा ना वो वाला पॉइंट कुछ और था, ये कुछ और है, ये मैंने अभी कहा वो अलग था। यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स इंटायरिटी, द प्रॉमिस हैज पुट टू एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वहां पे खत्म हो जाएगा। और किसने किया ये? प्रॉमिसी ने किया है। अब इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, ये तुम्हें पता है, तुम्हें ये लाइन है, तुम रट के आते हो, ये लाइन बोलनी है, मैंने 4 लाइन पढ़ दी है, तुमने 1 लाइन ये बोलनी है। मैंने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी या कुछ ऐसी हरकत कर दी जिससे कि जो मेरा पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था या जो भी कुछ था वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल जरा देखो एक बार। ए एक सिंगर है, एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में बी जो कि एक थिएटर का मैनेजर है कि टू सिंग In his theater, 2 nights in every week during next 2 months, अगले 2 महीने तक 2 रातों तक वो गाना गाएगा वहाँ। ठीक है जी। And be engaged to pay her A 1 lakh for each night's performance। इतने उसको पैसे मिलेंगे। ये देखो, calculation हो गई। On this 6th night, A willfully absent herself from the theater, willfully, जानबूझ के वो वहाँ नहीं गया, नहीं गई जो भी है। B is at liberty to put an end to the contract। मतलब क्या है कि भैया आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कि आपको वहां पे गाने गाने हैं कुछ एक लिमिटेड पीरियड के लिए, इन्होंने वीक लिखा है, सो मैं सीधा कहता हूँ 10 दिन तक आपको गाने आना था, आपको 10 दिन के 1 लाख रुपए मिलते हैं, 10 लाख रुपए मिलते हैं, आप 5 दिन के 6 दिन नहीं गए,
तो जो थिएटर का मालिक है, जो मैनेजर है, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से कुछ ऐसी हरकत हुई जिसके बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए फुल्ली कैपेबल है। आपने परफॉर्मेंस नहीं किया, डिले किया, या कोई भी ऐसी चीज थी जो फुलफिल नहीं करी जिससे उसका नुकसान हुआ, क्योंकि आपसे 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। नुकसान रिकवर तो बाद की बात है, मुद्दा यहाँ पे आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा कि नहीं होगा। खत्म तो होगा, नुकसान मोटा मोटा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सोसाइटी से पैसे नहीं दिए, बट अगर इसमें कुछ ऐसा चीज है कि नुकसान होगा तो फिर तो वही कहानी चलेगी, भैया कुछ नुकसान हुआ तो उसको कोर्ट में जाएगा, क्लेम करेगा वगैरह वगैरह। पर मुद्दा यहाँ पे चला गया कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा उस दिन पे, तो वो चाहे तो खत्म कर सकता है। अगर मैनेजर चाहे, चलो कोई बात नहीं, माफ किया, वो भी कोई दिक्कत नहीं, बट उसकी पावर में है कि उसको वो कैंसिल कर सकता है। हाँ जी, नहीं तो पूरा चैप्टर ही बड़ा बड़ा लगेगा। नहीं, एग्जाम्पल पहले नहीं आया, फिर आपने कुछ और ही पढ़ा है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप? कहाँ पढ़ा था? गुड, इतनी पढ़ाई कर लो फिर तो मजा ही आ जाए। एनालिसिस एक बार इसका पढ़ लेते हैं। फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 39, इट इज क्लियर दैट इन केस अंडर कंसिडरेशन द फॉलोइंग टू राइट्स एक्रू टू द aggrieved पार्टी, नेमली ए, पहला क्या है टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा क्या है टू इंडिकेट बाय वर्ड्स और कंडक्ट दैट ही इज इंटरेस्टेड इन इट्स कॉन्टिन्यूएंस। बेसिकली क्या है, उसके पास दो राइट है, मैनेजर के पास क्या दो राइट है, पहला उसको कैंसिल कर दे, दूसरा कहेंगे चलो कोई बात नहीं, चलन दो, कोई दिक्कत नहीं, माफ किया। इन केस द प्रोमिसी डिसाइड टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, ही वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू पुट एन एंड to the contract on this ground subsequently. सीधी सी बात है, अगर कोई कहेगा कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। In either case, the promisee would be able to claim damages that he suffer as a result on the breach. ठीक है सर, अगर कुछ नुकसान हुआ है तो एक एप्लीकेबल लाइन है पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है, कहीं भी कोई नुकसान अगर किसी को हुआ है किसी भी एक्टिविटी की वजह से, तो मुद्दा वही है, उसको क्लेम कर सकता है, रिकवर कर सकता है, वो आराम से देगा, प्यार से देगा, नहीं तो कोर्ट में जाके देगा, ठीक है ना, रिकवरेबल अगर है तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब आपका लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ये भी मोटा मोटा वही है जो आपके एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हो या आप सपने में पढ़ चुके हो, कि प्रोमिसर होगा तो उसकी क्या लाइबिलिटीज होंगी और प्रोमिसी की केस में क्या लाइबिलिटीज होंगी। जॉइंट तो कुछ कुछ चीजें भी आपने ऊपर देखी थी, जॉइंट प्रोमिसर का पॉइंट एक पेपर आया था, अभी हेडिंग आया था ना, एक उसी से मिलता जुलता है, पढ़े जरा क्या है 42 के अंदर। व्हेन टू और मोर पर्सन, ये आया है, आ गया है राहुल, आ गया। When two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appear by the contract, all such persons during their joint lives and after the death of any of them, his representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of last survivor, the representative of all jointly must fulfill the promise. ये same line अभी ऊपर आई थी। जॉइंट प्रॉमिस वाला जहाँ पे हेडिंग आया था कि भैया अगर सबने जॉइंटली परफॉर्म किया तो जब तक जीवित रहेंगे जॉइंटली परफॉर्म करेंगे, किसी एक के गुजर जाने के बाद जो बाकी जीवित लोग होंगे और जो गुजर गया उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो मिलकर परफॉर्म करेंगे, और अगर सभी गुजर चुके हैं तो जो उनके सबके रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो मिलकर परफॉर्म करेंगे। सिंपल सी बात है, एनालिसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, सेक्शन 43 से अब पढ़ना शुरू करना हमने, ये ऊपर वाला एरिया जो है वो रिपीटेड चल रहा है यहां से, तुम पी लो भाई पानी वानी पी लो, काहे परेशान, मुश्किल से पौना घंटा पीने हुआ अभी, लेके बैठा करो मिलाए। चुप हो जाओ, अभी आज खत्म नहीं हुआ। हाँ जी, where two or more any one of the joint promisor may compel to perform की बात हो रही है यहाँ पे, कि भैया joint promisor जो है वो कोई अगर perform नहीं कर रहा तो क्या उससे perform करवाने के लिए liable है? तीन लोग थे, तीनों ने 2-2 लाख रुपए जमा कर रहे थे, एक बंदा कहता मैं ना दे रहा, तो क्या जो दो बंदे हैं वो उससे ले सकते नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते भाई? भाई उन्हें तो शहर देने पड़ेंगे, ठीक है ना, तो उससे क्या कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, मित्र को भी देना पड़ेगा, कर सकते।
क्या है, when two or more parties make a joint promise, the promisee may in the absence of the express agreement to the contract compel anyone or more of such joint promisor to perform the whole of the promise. ठीक है, अच्छा यहां पे एक पॉइंट ये भी आ रहा है कि आप तीन लोग हो, कुछ ऐसा खास नहीं लिखा, तीन लोगों में से तीनों लोग भाग गए, परफॉर्म नहीं कर रहे, भागे, इंसॉल्वेंट नहीं, भागे। अब मेरे को एक मिल गया तीनों में से, तीनों में से कोई एक मिल गया, उसके इसमें क्या होगा? तो क्या उससे पूरा पूरा रिकवर करने की पावर है मेरे पास या नहीं? मारू अलग से, ठीक है ना, वो पिटेगा अलग से, रिकवर तो खैर हुआ ही होगा। तो वही चीज लिखा है, अनलेस कुछ लिखा हुआ, अनलेस कुछ लिखा हुआ का मतलब क्या हुआ कि भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट में हिसाब से लिखा हुआ था कि भैया 6 लाख रिकवर करने और हर एक बंदा 2 लाख के लिए लायबल है, इस टाइप से कुछ अगर स्पेशली लिखा होगा तो अगर पकड़ा गया तो मैं 2 ही रिकवर कर पाऊंगा, बट अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो पूरे के पूरे 6 रिकवर करो, ठीक है, ओपिटा अलग से लगेगा। ईच प्रोविजन में कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या कह रहा है, ईच ऑफ द टू और मोर जॉइंट प्रोविजन में कंपेल एवरी other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appear from the contract. Same चीज कह रहा है कि भैया contribution equally आप करोगे और then जाके उसकी performance करोगे जो भी करना है। In other words, if one of the joint promisor is made to perform the whole contract, he can call for a contribution from others. मतलब कि भैया joint promisor तो है लेकिन contract के अंदर कोई एक senior बंदा है, तो वो क्या करेगा, ये कंट्रीब्यूशन इकट्ठे करने का काम कौन करेगा, वही करेगा, जॉइंट प्रोमिसर है बट मेनली इन्वॉल्व एक पार्टी है, कोई तीनों में से कोई एक है जो फ्रंट की पार्टी है, तो वो फ्रंट की पार्टी जो होगी उसका काम है कि भैया सबसे कंट्रीब्यूशन करके तब परफॉर्म करेगा, लीडर मॉनिटर। शेयरिंग द लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, अगर लॉस हुआ तो भी शेयर होगा इक्वली, ठीक है, सिंपल सी बात है। इफ एनी वन ऑफ टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर मेक्स डिफॉल्ट इन सच कॉन्ट्रीब्यूशन द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर्स। कुछ कुछ जॉइंट प्रोमिसर आएगा तो पार्टनरशिप की बात तो चलेगी ना। क्या कह रहा है, इफ एनी वन ऑफ द टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर मेक्स डिफॉल्ट इन सच कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर डिफॉल्ट हो गया तो जो रिमेनिंग होंगे वो उस लॉस को बियर करेंगे इक्वल शेयर के अंदर, ठीक है जी। इस डिफॉल्ट को आप कुछ ऐसे भी करेक्ट कर सकते हो, अगर आपने डिसोल्यूशन याद हो कि अगर डिसोल्यूशन होता था और तीन पार्टनर हुआ करते थे और एक पार्टनर हो गया इंसॉल्वेंट लेट सपोज, या जो मेरा एग्जांपल चल रहा है कि तीन पार्टी है, तीन पार्टी में से 6 लाख रुपए रिकवर करने थे, एक निकल लिया या इंसॉल्वेंट हो गया तो बाकी के 2 बंदे जो है वो 3-3 लाख रुपए देंगे, उनके 1-1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है ना, बट उस लॉस को उन्हें शेयर करना पड़ेगा इक्वली, कि मोटा मोटा एक बंदा गया 2 लाख का नुकसान हुआ उसको, बाकी बंदे आधा आधा बांटेंगे, ठीक है, इस टाइप से। एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, एग्जांपल पढ़ते हैं सीधा सीधा। ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डे कितना, 3 लाख रुपए, डी में कंपेल इधर ए और बी और सी टू पे हिम 3 लाख रुपए, मतलब किसी एक को पकड़ के भी वो 3 लाख रुपए निकलवा सकता है क्योंकि जॉइंट प्रॉमिस था। एग्जाम्पल टू, ए एंड बी एंड सी आर अंडर अ जॉइंट प्रॉमिस टू पे 3 लाख, सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग, सी कुछ देने योग्य नहीं है, ए इज कंपेल टू पे द होल, ए इज एंटाइटल टू रिसीव 1.5 लाख फ्रॉम बी। क्या हुआ सर, एग्जाम्पल को समझो जरा, तीन पार्टीज थी, तीन पार्टीज को मिलकर 3 लाख रुपए देने थे, एक पार्टी कह रही थी मैं तो कुछ देने लायक नहीं हूं, तो बचे कौन, दो। अब उन दो में से अगर किसी एक ने पूरे 3 लाख रुपए देके आ गया तो वो दूसरे वाले से कितने पैसे और ले सकता है, 1.5 लाख रुपए, सिंपल है ना। क्या हुआ, क्या ज्यादा हो गया, देखो आप तीनों कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस, ठीक है, आप तीनों को पैसे देने थे मेरे को 3 लाख रुपए, आप खुशबू कहते हैं जी मेरे पास नहीं है, बचे कौन देने के लिए, आप दो, आप दोनों को 1.5 लाख रुपए देने चाहिए थे, देने चाहिए थे, आप आए मेरे पास, मैंने कहा लगा पैसे, मैंने आपसे 3 लाख रुपए वसूल लिए, अब आप क्या कर सकते हो, आप 1.5 लाख रुपए किससे ले सकते हो, अंजलि, क्योंकि उन्होंने तो दिए नहीं ना, अभी आपने उनके बदले भी मेरे को पेमेंट कर दी, तो क्या आप उससे ले सकते, नहीं ले सकते, क्या गलत है, ठीक है, कुछ नहीं, वो तो देने योग्य नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया अगर तो फिर कोई बात का खेल नहीं आता, ठीक है, आगे 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 आगे
अगला एग्जांपल, फिर राइट्स की बारी आएगी। ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे कितना? 9 lakh टू डी, डी रिलीज्ड ए फ्रॉम लायबिलिटी। इन दिस केस द रिलीज ऑफ ए डज नॉट डिस्चार्ज बी एंड सी फ्रॉम देयर लायबिलिटी, दे रिमेन लायबल टू पे द एंटायर अमाउंट ऑफ रुपीज 9 lakh टू डी। एंड दो ए इज नॉट लायबल टू पे टू डी बट रिमेन्स लायबल टू पे बी एंड सी, दैट इज ही इज लायबल टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर। क्या कहेगा ये पॉइंट में? तो अगेन आप तीनों हो, तुम पहले बोलो, समझ नहीं आया। अगेन आप तीनों हो, आप तीनों से मुझे 9 lakh रुपए लेने थे, ठीक है। मैंने कहा कि भैया राहुल बहुत सही बंदा है, अब तुम मत दो, ठीक है। लेकिन इन दोनों से मैं 9 lakh रुपए अभी भी लूंगा। तो इस केस में ये दोनों मुझे 9 lakh रुपए अगर देंगे तो राहुल को मारेंगे नहीं मारेंगे, और उससे पैसे लेंगे नहीं लेंगे। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इन दोनों ने मुझे 4.5-4.5 lakh रुपए दे दिए, मेरे को 9 lakh रुपए आ गए। अब मैंने उसको रिलीज किया था, लेकिन भैया वो उन दोनों से लेगा कि वो दोनों से लेंगे नहीं लेंगे अपनी कैपेसिटी में, तो 1.5 lakh रुपए से मांगेंगे कि भैया तुम्हारे बदले के हमने पे किए। मतलब क्या, अगर मैं रिलीज कर दूं किसी एक को लायबिलिटी से, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जॉइंट प्रॉमिसर थे, तो भैया मेरे रिलीज करने से बाकी लोग थोड़ा नुकसान सहेंगे। तो बाकी लोग बेशक मुझे इन फ्रंट पे कर दें, बट एट द एंड वो उससे रिकवर करने के पावर रखते हैं क्योंकि जॉइंटली इन्वॉल्व थे, अनलेस वो देने की कैपेसिटी में ना हो। देने की कैपेसिटी में ना हो फिर तो पहला वाला पॉइंट आ जाएगा, तो पहले एग्जांपल पढ़ा, वहां तो कुछ नहीं कर सकते। बट अगर कैपेसिटी में, और मैंने कहा भाई माफ किया, तो मेरे माफ करने से कुछ नहीं होता, वो मुझे ना दे बट बाद में वो लोग उससे लेंगे, ठीक। लगाओ वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट आता है राइट्स ऑफ जॉइंट प्रॉमिसेस, क्या अधिकार है। सेम चीज चलेगी यहां पे भी, कुछ नहीं है, एग्जांपल पढ़ लेंगे एंड में, पढ़ लो एक बार जरा। द लॉ रिलेटेड टू डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स इज कंटेन्ड इन सेक्शन 45 व्हिच इज रिप्रोड्यूस्ड बिलो। क्या कह रहा है? व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू टू और मोर पर्सन जॉइंटली, एक बंदे ने दो या दो अधिक व्यक्ति को कोई प्रॉमिस किया, देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट एज बिटवीन हिम एंड देम विद देम ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम विद देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच डिसीज्ड पर्सन जॉइंटली विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जॉइंटली। सेम लाइन कहेगा जो आपकी लायबिलिटी के अंदर थी, यहां पे बस बात क्या हो रही है, परफॉर्मेंस मेरे को करवानी है, मेरे अधिकार क्या है। अगर तीन लोगों का था, तीन किसी एबीसी का कॉन्ट्रैक्ट था, ए लुढ़क गया, तो मेरे राइट्स क्या है, मैं किस किस से परफॉर्मेंस ले सकता हूँ, बी और सी से और ए के रिप्रेजेंटेटिव से। सारे लुढ़क गए तो सभी के रिप्रेजेंटेटिव से ये मेरे राइट है, और यही उनके सेंस में क्या था, लायबिलिटी थी। तो कुछ खास नहीं, अपोजिट हो गया बस। एग्जाम्पल देख लो, ए इन कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 5 lakh लेंड टू हिम बाय बी एंड सी प्रोमिस बी एंड सी जॉइंटली टू रीपे दैट देम that sum with interest on a specified day but B dies, B की death हो गई, in such a case the right to demand payment shall rest with B's representative jointly with C and C's lifetime and after the death of C with legal representative of B and C jointly। मतलब क्या है भैया कि मैंने 5 lakh रुपए दिए थे दो व्यक्ति को, दो व्यक्तियों में से एक की death हो गई, तो अब वो पैसे मैं किससे लूंगा, जो जीवित है उससे और जो मृत है उसके रिप्रेजेंटेटिव से। अगर दोनों की डेथ होगी तो किससे लूंगा, उन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव से। तो नॉर्मल सी बात है, कुछ खास नहीं। तुमने मानी, पढ़ ले अभी और। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, ये टाइम एंड प्लेस मैंने आपको बताया था अभी, तीन क्रक्स है इसके अंदर पूरा पढ़ने के बाद, जो आपके एग्जाम में या किसी सवाल में आपको देखने हैं। तीन क्रक्स में क्या है, पहला इसमें बातें ऊपर नीचे चलेंगे, थोड़ा अलग तरीके से बताया हुआ है, पर तीन क्रक्स में मोटा मोटा क्या है, जो लोग शांत बैठे होते हैं ना वो शांत होते नहीं है, कुछ ना कुछ खुराफात चल रहा होता दिमाग में, है ना। समझ में आ रहा है यहां तक, नहीं आ रहा, रोके या चलें, सही चल रहा है। फिर तुम कल बोलोगे कि उनका यहां तक हो गया, तो फिर कुछ हमारी बात खत्म हो गई ना, चलो कोई नहीं।
बस तुम आगे देख जीवन में आगे देखना चाहिए। हाँ जी, टाइम एंड प्लेस, इसके अंदर तीन बातें क्या चलेंगी मोटी मोटी, पहला जो एग्रीड होगा, दूसरा अगर एग्रीड नहीं है तो म्यूचुअली जो कंसेंटेड होगा जो दोनों मिलके बैठ के निपटा लें, और अगर कुछ नहीं मिला तो क्या वर्ड आएगा, रीजनेबल, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल प्लेस, इस टाइप की वर्डिंग, बिजनेस आवर्स, बिजनेस टाइम, ऑफिशियल टाइम, इस टाइप की कॉमन चीजें हैं जो पूरे टॉपिक में चलेगी, लंबा चलेगा बट है कुछ नहीं ओवरऑल कंटेंट इसके अंदर। सवाल क्या है, इतनी बातें आएंगी बस, तीन चीजें हैं, पहला जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वो टाइम और प्लेस डिसाइड होगा, दूसरा अगर नहीं लिखा तो जो आपस में मिलकर वो निपटा लें, अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो जो रीजनेबल होगा, ठीक है ना। पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में आ जाता है बट ओवरऑल इसके अंदर हार्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन हार्ड नहीं है। क्या कह रहा है लॉ, कह रही लॉ को इन्होंने पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले 46 सेक्शन क्या कह रहा है, टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड और नो टाइम इज स्पेसिफाइड, कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी एंड नो टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन अ सिंपल एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 46 द एक्सप्रेशन रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम का क्या मतलब है, इज टू बी इंटरप्रेटेड हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस, मतलब डिपेंड करेगा क्या स्थिति चल रही थी, क्या कहानी थी, उसके लिए क्या रीजनेबल टाइम होना चाहिए था। मतलब सिंपल से अगर हमने कोई सामान डिलीवर करना था, कुछ ऐसी चीज थी, तो ऑब्वियसली बात है डिलीवर आप क्या करोगे, ऑफिस आवर्स में करोगे, ये थोड़ा बोलोगे रात के 1 बजे डिलीवर करने आया हूं, रीजनेबल टाइम होना चाहिए। विद इन रीजनेबल टाइम का क्या मतलब है कि सपोज मेरा 15 अगस्त के लिए मैंने आपसे पतंगे मंगवाई थी कि मेरी दुकान है, मेरे को सेल करना है, 15 अगस्त तक आपको डिलीवर करना था, आप मुझे 20 अगस्त को ले जा रहे हो, लो जी पतंगे का ढेर लगा दिया, तो मैं क्या करूंगा, रीजनेबल टाइम नहीं, रीजनेबल अब मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा, तो स्टिल रीजनेबल टाइम क्या होना चाहिए भैया, 15 अगस्त से तो पहले देखे जा, चाहे 2 दिन देखे जा, पहले 3 दिन पहले देखा, कुछ तो पहले देखे जा ना, उसके बाद तो मतलब ही नहीं बनता, तो रीजनेबल है, तो डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट केसेस के ऊपर कि क्या केस है, उसके अकॉर्डिंग जो रीजनेबल टाइम होना चाहिए उस रीजनेबल टाइम के भीतर भीतर आप अपना काम करोगे। नेक्स्ट आता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर, हाँ भाई यार ऊपर ही का तो पड़ा था अभी, जे वाला जी तो हेडिंग थी भैया, जे वाला, जे वाले में तो रीजनेबल टाइम आंसर था, जे वाले ने कह रहा था कि रीजनेबल टाइम का मतलब होगा जो कि डिपेंड करेगा अलग अलग केसेस के अंदर, तुम बुक लेके ना थोड़ा अंडरलाइन अंडरलाइन करते रहा करो साथ साथ, उस लड़की का बुक नहीं है मैं देख रहा हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ लिख रही है, और जिनके पास बुक है पता नहीं क्या कर रहे हैं। किताब कहाँ है तुम्हारी, खोली नहीं है, कर रही है कुछ ना कुछ हरकत है ना तुम्हारे बदले, सही है, ये दोस्ती है। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड, टाइम स्पेसिफाइड है, नो एप्लीकेशन टू बी मेड, क्या कह रहा है, वेयर द प्रॉमिस टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे एंड अ प्रॉमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिस, द प्रॉमिसर इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस ऑन सच डे and the place at which the promise out to be performed, यहाँ पे खास क्या आया कि यहाँ पे आपका अगर time specified है तो वो time जो होगा वो आपका क्या होगा, business का usual hours जो होते हैं, office timings जो होती हैं आपकी, उसके भीतर होगा। example देखो, if the delivery of goods is offered say after sunset, the promise may refuse to accept delivery for the usual business hours is are over. Moreover, the delivery must be made at the usual place of business. दो बातें कह गया भैया, सनसेट के बाद अगर कह रहा है डिलीवरी करूंगा तो जी हम नहीं ले रहे, बिजनेस आवर हमारा खत्म हो जाता है, और दूसरा कि भैया आपका जो प्लेस है वो भी क्या होना चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, मतलब हमारा बिजनेस है सपोज मेरा दिल्ली के अंदर, वो कहता है जो डिलीवरी करूंगा आपको मुंबई में, आ जाना लेने, बिजनेस आवर 10 से 5 मैक्स 10 से 6, नो एप्लीकेशन मतलब आपसे पहले पूछा नहीं गया, आपको पहले बताया नहीं गया, ठीक है ना, मैंने आपसे कहा नहीं, मैंने कहा कि ये डिलीवरी करने आ गया मैं सीधा सीधा, आपको बताया नहीं पहली बात तो, और जो करने आया वो भी आपका यूजुअल टाइम नहीं है, रीजनेबल टाइम नहीं है, स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, बिजनेस आवर्स नहीं है, बिना बताया धमक गया, आओ जी गेट खोलो, ऐसा नहीं, टाइम इज स्पेसिफाइड लेकिन कोई एप्लीकेशन नहीं है, और टाइम जो मैंने स्पेसिफाई किया वो मैंने कहा आफ्टर सनसेट,
टाइम स्पेसिफाइड तो है लेकिन टाइम स्पेसिफाइड में एग्जैक्ट टाइम स्पेसिफाइड नहीं। मैंने कहा आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनसेट तो पूरा सुबह तक है, ठीक है ना। तो ये नहीं है, वो फिर आपका बिजनेस आवर्स होना चाहिए। अगर सपोज मेरा बिजनेस आवर 8 बजे तक का है रात के, तो ठीक है जी आपका सनसेट आ जाओ, लेकिन 8 बजे से पहले आओगे, ठीक है ना। पर सीधा आफ्टर सनसेट ये स्पेसिफाइड नहीं हुआ ना। एग्जाम्पल हो गया अगला, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। एप्लीकेशन परफॉर्मेंस भी है, सर्टेन डे भी है, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस क्या है इसके अंदर। Where a promise is to be performed on a certain day and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, it is the duty of the promisee to apply for performance at a proper place and within the user business, user hours of business. क्या कह गया? Same नहीं है, कुछ फर्क है, बताओ क्या है? क्या है इसका मतलब? When a promise is to be performed on a certain day. And the promiser has not undertaken to perform it without application by the promiser. कि भैया बिना पूछे बता दा ना, देख मत जाना, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि परफॉर्मेंस होनी है लेकिन बिना एप्लीकेशन के नहीं। बिना एप्लीकेशन का मतलब कि बिना पूछे आप परफॉर्म नहीं कर दोगे कि हाँ जी हमारा मन क्या हम लेके आ गया सामान डिलीवर करना, नहीं। आप पहले एप्लीकेशन दोगे उसके बाद आओगे। उस सिचुएशन में क्या प्रॉपर टाइम होगा, तो वही चीज बात आती है। फिर उसके बाद घूम फिर के देखो, पहले चल रहा था विदाउट एप्लीकेशन, अब कह रहा है विद एप्लीकेशन होना चाहिए। विदाउट एप्लीकेशन का मतलब मैंने कहा नहीं, बिना पूछे भी तुम डिलीवर कर सकते हो, पर यूजुअल बिजनेस आर रीजनेबल टाइम, ये सारी चीजें थी। अब आ रहा है विद एप्लीकेशन होगा, तो विद एप्लीकेशन जो होगा ठीक है जी, उसके अंदर कंटेंट ये होगा कि बिना एप्लीकेशन के आप नहीं आ सकते, और विद एप्लीकेशन भी आओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी आ जाओगे। उसके अंदर भी आपका वही पॉइंट आएगा कि रीजनेबल टाइम और रीजनेबल बिजनेस आवर्स, यूजुअल बिजनेस आवर्स, ठीक है जी। जब आप डिलीवरी करते हो तो उसके अंदर आप टाइम कॉन्स्टेंट आप डालते हो, पुट करते हो 10 से 5 के बीच में, या अगर होम डिलीवरी घर वाली डिलीवरी है तो उसके अंदर 10 से 10 का होता है, 10 से 9 का होता है, 10 से कुछ होता है, लेट नाइट का भी होता है मतलब, या मॉर्निंग में 8 बजे से होता है शायद मेरे ख्याल से, कुछ ऐसा है ना, कुछ और बोल रहा था बस। चलो अब इसके अंदर कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन क्या मतलब है कि भैया प्रॉपर टाइम और प्लेस का क्या मतलब है, तो अगेन ये डिपेंड करेगा क्या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कि मुद्दा क्या चल रहा है। जो मुद्दा चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा कि भैया इसके लिए क्या प्रॉपर टाइम होना चाहिए और क्या इसके लिए प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, वो डिपेंड करेगा फैक्ट के ऊपर, ठीक है ना। अब सपोज फैक्ट का क्या मतलब है यहाँ पे कि मेरा बिजनेस है दिल्ली के अंदर, मुझे कोई माल बेचना था मुंबई के अंदर, और मेरा जो डिलीवरी वाला बंदा है वो कह रहा है जी मुंबई डिलीवर कर दूंगा, तो इन जनरल केस तो ये प्रॉपर बिजनेस प्लेस नहीं है, बट मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर मुंबई डिलीवरी कर रहा है तो मेरी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसके समय ये नहीं हो सकता नीचे भी प्रॉपर प्लेस में नहीं आए जो दिल्ली देखा हो, अगर मुझे नीड मुंबई की और मुंबई में डिलीवर कर रहा है तो ऑल्दो वो रीजनेबल प्लेस नहीं है बट मुझे फिर भी एक्सेप्टेड होगा, क्यों? क्योंकि वो मेरी रिक्वायरमेंट है। वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि जो मेरा अरेंजमेंट था वो उसी पर डिपेंड करता था कि डिलीवरी कहाँ, ठीक है ना। तो ये मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। अब यही चीज़ है, दिल्ली में बेच रहा था वो मुंबई दे रहा था, फिर ये गलत है, ठीक। आगे प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन to be made and no place fixed for the performance, na application hai na place fixed hai, kya hoga? When a promise to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance, ye to heading kya hai of it, it is the duty of the promiser to apply for the promise to appoint a for the performance of the promise and to perform it as such place. ना एप्लीकेशन है ना प्लेस बताया गया, तो रीजनेबल टाइम पे रीजनेबल प्लेस पे दे जाना भैया, और क्या कर सकते। एग्जांपल ये मोटा मोटा कुछ नहीं चल रहा, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि क्या चलेगा। रीजनेबल का मतलब जो कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही हो, तुम्हें सही लगे नहीं जो सबको सही लगे वो रीजनेबल है, ठीक है ना। अब आप कहते हो जी संडे को सर क्लास रख लेना, लेकिन रीजनेबल टाइम पे, अब रीजनेबल टाइम का क्या मतलब है? जो सबको सही लगे, सबको सही का मतलब ये नहीं कि आपका पर्सनल काम है वो नहीं, रीजनेबल टाइम का मतलब क्या है? सुबह 7-8 बजे से रख लेना और शाम के 7-8 बजे तक खत्म कर देना, ये रीजनेबल टाइम जनरली जो सबके लिए एक्सेप्टेबल होता है। इन जो हाँ जी वो चीज़ वहाँ पे मेंशन होगी ना, बट यहाँ पे बात हो रही है जब कुछ नहीं है तो क्या होगा। अगर मैंने आपसे कॉन्टेक्ट करते वक्त ही बोल दिया था कि भैया हम तो रात के 10 बजे पढ़ाएंगे आपको, तो ये तो स्टार्टिंग में आपने एक्सेप्ट नहीं किया, और एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो आपको 10 बजे जाना पड़ेगा। पर जहां पे इस टाइप की चीजें नहीं है, ये पहले से मेंशन नहीं है, तो वहां पे रीजनेबल की बात हो रही है कि क्या होगा।
ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहा है परफॉर्मेंस इन अ मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय द प्रोमिसिंग. क्या कह रहे हैं कि भैया परफॉर्मेंस उस हिसाब से होगी और उस टाइम के अकॉर्डिंग होगा जो कि प्रोमिसिंग में कहा होगा. जैसा कहा होगा वैसा कर लेंगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोमिस में भी मेड इन सच अ मैनर और एट अ टाइम विच द प्रोमिसिंग प्रिस्क्राइब और सैंक्शन. जो प्रोमिसिंग कहेगा उस अकॉर्डिंग वो परफॉर्मेंस हो जाएगी उसमें फिर तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है जी तो मोटा मोटा आपने देखा कि जो आपका काम का वर्ड चल रहा है वो वही चल रहा है रीजनेबल टाइम यूजुअल बिजनेस आवर्स रीजनेबल प्लेस रीजनेबल 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 सब कुछ रीजनेबल. नेक्स्ट आता है आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस. एक बार मुझे किताब दिखाओगे बैठ जाओ. चलो इसके अंदर आपका ना दो हेडिंग छोड़ रहे हैं दो टॉपिक. अरे डट जा मेरे भाई करा रहा हूं कुछ और करा शांत रहो दुखी ज्यादा है आपका. ये ऐसी प्रोग्राम प्रॉमिस आपको अगली क्लास में कराया जाएगा जब तक के लिए आपका ये होमवर्क है. क्या आप उसको एक बार रफली रीड करके आओगे रेसिप्रोकल वाले और एक टॉपिक और होमवर्क में मिलेगा आपको उससे पहले एक पढ़ेंगे अभी एक ये होमवर्क है अगला पढ़ रहे हैं फिर इसका अगला होमवर्क है उसका अगला पढ़ेंगे और आज के लिए हो जाएगा. ठीक है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या है इसका मतलब सर पेमेंट कैसे कैसे एप्रोप्रिएट होगी कैसे कैसे बांटी जाएगी. ठीक है तो कुछ रूल है इसके ये एग्जाम में आपके आया हुआ है. ठीक है जी ये छोटा सा एरिया है सिंपल है टर्म्स है इसके अंदर और ये इंपॉर्टेंट है. तुम कहीं घूम रहे हो उधर हाँ पढ़े जरा फटाफट से ध्यान दे जल्दी से रीड करके खत्म करेंगे. समटाइम्स अ डेटर ओस सेवरल डेट्स टू द सेम क्रेडिटर एंड मेक्स पेमेंट विच इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेट. In such a case, payment is appropriated that is adjusted against the debt as per the section 59 to 61 of the Indian Contract Act. बोलो समझ नहीं आया. मेरा लगा इतना करता है जब मैं हिंदी में बोलूँ मैं पढ़ रहा था अरे तू पढ़ लो यार आप पढ़ खत्म कर लो पढ़ के फिर हमें बता देना क्या पढ़ा. फैक्ट है नहीं देखो जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब कि अगर मेरे को आपसे लेने थे 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए लेकिन ना डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के सपोज मेरे को किसी काम के अगेंस्ट आपसे 5 लाख रुपए लेने थे किसी के अगेंस्ट 3 लाख किसी के अगेंस्ट 2 लाख 5, 3, 2. अब आपने मुझे मोटा मोटा 6 लाख रुपए पकड़ा दिए पेमेंट आई मेरे पास से आपके पास 6 लाख रुपए तो इस 6 लाख रुपए को मैं किससे एडजस्ट करूंगा. तीन काम है ए बी सी एक की आउटस्टैंडिंग 5 लाख तीनों पेमेंट आप किसी देनी है किसी एक के लिए मैंने 3 अलग अलग काम किए कुल मिला के 10 लाख का बकाया हो गया. आपने मोटा मोटा मुझे 6 लाख रुपए पकड़ा दिया आपने कहा शांत रहो फिलहाल बाकी पैसे बात करेंगे. ठीक अब इस 6 लाख को मैं अपने अकाउंट्स में कैसे एडजस्ट करूं आउटस्टैंडिंग 3 है आप ही के नाम से लेकिन 3 आउटस्टैंडिंग है तो मैं उस 6 लाख को कैसे कर लूं कि 5 लाख वाला निपटा दिया दूसरे वाले में से 1 लाख निकाल लिया दूसरे वाले का 2 लाख बच गया और तीसरे वाले का पूरा 2 लाख बच गया. एक ऑप्शन ये है एक ऑप्शन ये है कि भैया 6 लाख रुपए को तीनों में प्रोपोर्शनेटली बांट दो 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 दो. एक तरीका ये है कि तीनों में उन तीनों आउटस्टैंडिंग के रेशियो में बांट दो मतलब जिसका 5 लाख है उसमें ज्यादा आना चाहिए जिसमें 3 लाख उसमें कम आना चाहिए इसमें 2 लाख उसमें कम मतलब 5, 3, 2 के रेशियो में इस भांति भांति प्रकार से इसकी एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज है उसको आपने पढ़ना है. वो डिपेंड करेगा आपके कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखा है. आइए एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड कैसे
डिस्चार्ज होगा वो लिखित है, मेंशनड है, तो जैसे मेंशनड है वैसे कर लेंगे, इसमें तो कोई सोच नहीं। डिस्चार्ज का मतलब खत्म, चार्ज आपके बतेरे होते हैं, चार्जर वाला भी चार्ज होता है और खर्चों वाला भी चार्ज होता है, कंपलसरी पेमेंट वाला भी चार्ज होता है और मॉर्टगेज वाले को भी चार्ज कहते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज इज डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि चार्ज कहाँ यूज हो रहा है, वर्ड है ये आपका। चलो इसको खत्म कर ले, जरा भटकाओ मत। वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स, वही चीज कह रहा है, टू अ पर्सन makes the payment to him either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to discharge some of particular debts, the payment is accepted must be applied accordingly। मतलब जिसने मेरे को 6 लाख रुपए दिए उसने कहा कि भाई साहब इस 6 लाख में 2 लाख वाला खत्म कर लेना, 3 लाख वाला खत्म कर लेना और 5 लाख में से 1 लाख खत्म कर, वो मुझे बता रहा है कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, किस किस के दे रहा हूँ, तो उसको खत्म करेंगे जो इंडिकेट किया जिस तरीके से उसने बताया कि मैं क्या क्या लाइबिलिटी अपनी चुका रहा हूँ, उन लाइबिलिटी को एडजस्ट कर देंगे उससे। सेकंड में कहता है भैया इंडिकेटेड नहीं है, इंडिकेटेड नहीं है तो उस केस में क्या होगा, वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट एंड देयर इज नो मेजर सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटेड टू विच दैट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड, द क्रेडिटर में अप्लाई इट एट हिज डिस्क्रिशन, अपनी इच्छा अनुसार, टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू and payable to him from the debtor where its recovery is or is not barred by the law in force for the time being as the limitation of suit। मतलब कि ऐसा भी ना हुआ हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग कैसे करेगा, सपोज एक आपने पढ़ा हुआ है ना लिमिटेशन एक्ट होता है, सपोज उसमें से 1-2 लाख वाली आउटस्टैंडिंग ऐसी थी जिसको कि 5 साल के बाद मैं मांगने योग्य नहीं था, उसने मेरे को पैसे दिए कुछ इंडिकेट नहीं दिया, तो मैं पहले क्या एडजस्ट करना चाहूंगा उस 2 लाख वाले को, क्योंकि भैया टाइम बीत गया तो वो देगा ही नहीं। तो मतलब जो भी मेरी सिचुएशन है, जो भी मुझे लगेगा अपने इच्छा अनुसार मैं जो चाहूँ उसको जैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर, अगर उसने कुछ नहीं बताया तो ठीक है। नेक्स्ट अभी नॉट बार्ड नहीं हुआ ना, लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अभी वो बार्ड नहीं हुआ, पर वो होने जाएगा या कुछ ऐसा होगा तो मैं पहले उसको एडजस्ट कर लूंगा जो अभी बार्ड नहीं हुआ। नेक्स्ट अभी तीनों को एक बार समराइज कर दो, मुझे पता था तुम बोलोगे। Neither party appropriates, कुछ भी नहीं है, दोनों के दोनों पार्टी ने कुछ appropriate करने का कोई भी अपने हिसाब से सेंस नहीं लगा रखा, तो उस केस में क्या होना चाहिए? Where neither party makes any appropriation, the party shall apply in discharge of the debts in order of where they are not barred by the law in force of time, वो तो same चीज़ कह रहा है। If the debts are of equal standing, the payment shall be applied to discharge each proportionately। दो चीजें आई यहाँ पे, पहला टाइम आया, दूसरा proportionately आया। टाइम का मतलब क्या है कि भैया हो सकता है मैंने पहला उधार लिया तो 2016 में, उसके बाद है 2017 वाला, उसके 2018 वाला, तो पहले कौन सा चुकेगा? 2016 वाला। कुछ पैसे बच जाएंगे तो उससे कौन सा एडजस्ट करेंगे? 17 वाला। कुछ पैसे बच जाएंगे उससे कौन सा एडजस्ट करेंगे? 18 वाला। अगर टाइम का पंगा नहीं है, सारे एक ही टाइम के होंगे, तो उसको 5-3-2 की रेशियो में बांट लेंगे, जो आपका प्रोपोर्शनेटली का, ठीक है ना, जो भी आउटस्टैंडिंग का प्रोपोर्शन होगा उस प्रोपोर्शन में उसको बांट लिया जाएगा, ठीक। तो ये बात लॉ को बताने वाली थी नहीं, सिंपल सी चीज थी, बट ये आपका एक सेक्शन है जो कि कहां से कहां तक चल रहा है, 59, 60 और 61। 59 में क्या था? 59 में इंडिकेट, तो उसकी बात मानेंगे। 60 में क्या था? अपनी मर्जी चलाएंगे। और 61 में क्या है? दोनों चीज ना हो तो टाइम के अकॉर्डिंग, अगर टाइम भी पॉसिबल ना हो पाए तो प्रोपोर्शनेटली, आउटस्टैंडिंग के प्रोपोर्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है अगला 4.10, ये भी आपका होमवर्क है। हार्ड लग रहा है तो कुछ तो हार्ड भी होना चाहिए। यस मैं भी बता दूंगा, मैं आपके भी बता दूंगा कि आपके में क्या है वो पढ़ने वाला। हाँ जी, डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे खत्म हो सकता है आपका, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, एंड हो सकता है। तो नंबर वन, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, आपने काम कर दिया, आपने वहां पे जो परफॉर्म करना था वो परफॉर्म कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा आपका? ओवर। डिस्चार्ज अब परफॉर्मेंस के अंदर भाई दो बातें आएंगी, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, वो आप पढ़ चुके हो अभी, जस्ट रिसेंटली पढ़ा है तो उसको आप देख लोगे। नेक्स्ट कहता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट,
काम हुआ नहीं था, पर दोनों ने कहा भाई हटा यार बहुत हो गया, मजा नहीं आ रहा। दोनों कैसे भी करके एग्री कर लिया, सेटल कर लिया आपस में, तो आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हो, म्यूचुअली एग्री हो। एक का एग्जांपल देख लो एक बार बस। ए ओस बी 1 lakh, ए इनटू एन एग्रीमेंट विद बी एंड मॉर्गेज हिज एज स्टेट फॉर 50,000 इन प्लेस ऑफ अ डेट ऑफ 1 lakh। दिस इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटिंग्विशेस द ओल्ड। क्या कह रहा है यहाँ पे? मैंने 1 lakh रुपए लिए थे और फर्दर चल के मैंने मॉर्गेज किया और मैंने कहा कि भैया मॉर्गेज कर लो अगेंस्ट 50,000, तो कहीं ना कहीं आपका जो अमाउंट है वो सिक्योर हो गया और आपने मेरे को 50,000 माफ कर दिया। ऐसे तो हुआ कि आपसे 1 lakh रुपए ले रहे थे मेरे को, लेकिन अब आप कह रहे हो 50,000 दे देना, लेकिन उसको मॉर्गेज करवा लो। आपने उसको मॉर्गेज कर दिया मेरी किसी प्रॉपर्टी से कि अगर मैं नहीं दूंगा तो वो प्रॉपर्टी रिकवर कर लोगे, ठीक है? तो उस केस में जो आपका 1 lakh था वो क्या हो गया? खत्म। अब बात किसकी आएगी? 50,000 नया कॉन्ट्रैक्ट, तो पुराना वाला क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऐसी चीजें कुछ आप पढ़ोगे, अभी जो मैंने पीछे आपको होमवर्क दिया ना, उसका एक पॉइंट आता है नोवेशन, नोवेशन वाला पढ़ोगे वो सेम टू सेम कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको। मुद्दा क्या है कि जो पहले एक कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कुछ चेंजेस करते हुए मैंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया? ओवर हो गया। जो नए के वैलिड टर्म्स होंगे वो काम करेंगे। क्या लिखना? कहाँ लिखा है? अच्छा, रेमिट और अल्टरेट, ये सारी मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट ना मैंने भी छोड़ दिए। ये जो पॉइंट है ये पूरा आप जो मैंने पीछे भी पैराग्राफ छोड़ा उसमें ये पॉइंट आ रहे हैं सारे, नोवेशन, रेसिशन, अल्टरेशन, रिविजन वगैरह वगैरह, ये आप पढ़ोगे नहीं तो अगली क्लास में पढ़ा दूंगा वैसे। तो ये पॉइंट में मतलब यही होता है कि भैया एक कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ इसके अंदर बातें चल रही थी, आपने कहा नहीं यार इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दे, चेंज करके आपने नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? खत्म हो गया, उसके बदले में नया आ गया, ठीक है? क्या चल रहा है बातें? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब क्या वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके अंदर पढ़ो आपको सुपर मीनिंग दिखाई देगा। क्या कह रहा है? था इम्पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, हो सकता है स्टार्टिंग से इम्पॉसिबिलिटी हो, इन दैट केस इट वुड बी इम्पॉसिबिलिटी एब इनिशियो। ये क्या कहलाएगा आपका? जो इनिशियली आपका इम्पॉसिबल था तो इम्पॉसिबिलिटी एब इनिशियो है। अल्टरनेटिवली इट मे सुपरवीन, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में टेक प्लेस ओइंग टू, जो फ्यूचर में होता है, एन अनफोर्सीन चेंज इन लॉ, लॉ में कुछ बदलाव आया जिसकी वजह से वो अब पॉसिबल नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एसेंशियल टू द परफॉर्मेंस, जो काम करना था उसमें डिस्ट्रक्शन हो गया, आपका सब्जेक्ट मैटर ही ऐसा है जो कि अब पॉसिबली परफॉर्म नहीं हो सकता। एंड द नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स विच वॉज नेचुरली कंटेम्पलेटेड फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सम पर्सनल इनकैपेसिटी लाइक डेंजरस मेलेडी। मतलब कुछ ऐसी उसके अंदर एक्टिविटी आ गई, कोई पर्सनली इनकैपेबल हो गया, सपोज किसी से कोई इंजरी हो गई, या जो आपको काम करना था उसमें कुछ डेंजर की चीज़ें आपको पता लग गई इन फ्यूचर कि ये काम और परफॉर्मेंस डेंजरस है किसी के हेल्थ को लेके या किसी और चीज़ को लेके, तो ऐसी कोई भी चीज़ हुई जो पहले नहीं थी बाद में हुई, तो वो क्या कहलाती है आपकी? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मुद्दा क्या? इम्पॉसिबल परफॉर्म वो नहीं हो सकता। एंड एक लास्ट है द डिक्लेरेशन ऑफ अ वॉर, युद्ध हो गया। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसके परफॉर्मेंस होने का कोई टाइम था, वो डिस्चार्ज हो गया, तो ऑब्वियसली बात है वो टाइम भी डिस्चार्ज होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी आपका क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। अगला डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर भी बात आती है कि भैया कानून में कुछ बदलाव आ गए, डिस्चार्ज तो मतलब हो गया ना कि वो काम ओवर हो गया, लैप्स हुआ इसलिए वो ओवर हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अगला डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है भैया? कि लॉ के अंदर कुछ ऐसी चीजें आई, लॉ ने ऐसा ऑपरेट किया, वही चीजें कोई इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये क्या ऑपरेशन ऑफ लॉ? एज पर लॉ अब वो परफॉर्म करने के लिए लाइबल नहीं है बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी, बिकॉज ऑफ डेथ, इस टाइप की कोई चीज, तो वो आता है आपका ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर, तो उसके अंदर ही माना जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो समाप्त हुआ। अगला डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चैप्टर आप अगली क्लास में पढ़ोगे वैसे। अगर है नहीं तो क्यों करेगा? अच्छा जी, एक ही डेथ होगी, एक आप पूछते हैं ही नहीं आगे तो कौन देगा? कोई और भी दे देगा पैसे? क्यों हस्ती हो? तुम्हारा पड़ोसी तुमसे ले लेगा?
हाँ जी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में। वैसे तो मोटा मोटा बता दो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि भैया किसी भी तरीके से आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, खुद ही आपने कह दिया भाई साहब माफ करो हमसे ना हो रहा, हमसे ना हो पाएगा, तो इस टाइप की चीज है। तो वो क्या कहलाती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। इसके अंदर दो बातें आती है, एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है और एक होता है एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है, जब आप समय से पहले आके बोलते हो कि नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की डेट थी, परफॉर्मेंस की डेट थी, सपोज करो क्या 15 अगस्त, और आपने आके 13 अगस्त कह दिया भैया माफ करो हमसे ना होगा, या तो टाइम बढ़ा दो या कुछ भी चेंजेस करने वो कर दो, बट ये काम जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग करना चाहिए था वो हमसे नहीं हो पाएगा, तो ये क्या कहलाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। और एक्चुअल ब्रीच होता है जब 15 तारीख बीत गई, 16 तारीख को आप आओगे तो ऑब्वियस सी बात है ब्रीच हो चुका, क्योंकि काम 15 को करना था, 15 को आपने किया नहीं, ठीक है, टूट तो गया ही भैया। टूट तो 15 को ही गया, एक्चुअल ब्रीच क्या है, जिस डेट पे काम होना था उस डेट पे काम नहीं हुआ, तो एक्चुअल ब्रीच उस डेट से पहले आपको बता दिया गया, पहले आके आपने उसको एडवांस में कैंसिल कर दिया, तोड़ दिया, या जो भी चेंजेस थे वो चेंजेस कर लिया, वो एंटीसिपेटरी ब्रीच है। तो दोनों केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, खत्म, डिस्चार्ज, बिल्कुल फिट बैठेगा। नेक्स्ट, प्रॉमिस में वेव और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ दी प्रॉमिस, मतलब क्या है कि भैया मैं खुद कह रहा हूं कि चलो तुमने आधा काम कर दिया, आधा मत करो, जाओ माफ किया, वेव कर दिया या पूरा पूरा माफ कर दिया, कोई छोटा मोटा पोर्शन रहता था मैंने कहा छोड़े रहते बहुत हो गया, तो वो अगर चीज है तो वहां पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अगला, माफ करना, छोड़ देना। इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, क्या कह रहा है ये, if any promisee neglects or refuses to afford the promisor reasonable facilities for the performance of his promise, the promisor is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby. मतलब कि अगर मैंने आपको कोई फैसिलिटीज देना था और उसके अगेंस्ट में, या कोई भी आपको कंसिडरेशन देना था उसके अगेंस्ट में आपको कोई काम करना था जो मेरे को देना था, अगर आपने वही रिफ्यूज कर दिया जी हमें नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या परफॉर्मेंस होगी, जो एक पॉइंट पीछे आया था कि भैया जिसने ऑफर दिया परफॉर्मेंस के लिए सामने वाले ने मना कर दिया, तो उस केस में क्या कॉन्ट्रैक्ट का कोई परफॉर्मेंस होगा आगे चल के, नहीं होगा, तो वही रिफ्यूजल वाली बात कर रहा है, नेग्लिजेंस की बात कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है मर्जर ऑफ राइट्स, क्या हुआ, कोई भी तरीके से आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, तो वहां पर आपकी बिल्कुल लाइबिलिटी नहीं है, वो डिस्चार्ज माना जाएगा। मर्जर ऑफ राइट्स, इसका मतलब क्या है, मर्जर मतलब मिक्स होना, अधिकार, समटाइम्स द इंफीरियर राइट एंड द सुपीरियर राइट कॉन्साइड एंड मेड इन वन एंड द सेम पर्सन, इन सच केसेस द इंफीरियर राइट मर्ज इन टू द सुपीरियर राइट, ऑन मर्जर द इंफीरियर राइट वैनिश एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन्फोर्स्ड। क्या कह रहा है, हाँ जी, इंफीरियर राइट और सुपीरियर राइट दो राइट है, इसका एक एग्जांपल देखो, वैसे इसका मैं अलग एग्जांपल दे रहा था, बट एक बार जो इनका लिखा है वो पढ़ लेते हैं। ए टुक अ लैंड ऑन लीज फ्रॉम बी, सब्सिक्वेंटली ए परचेजेस दैट वेरी लैंड, नाउ ए बिकम्स द ओनर ऑफ द लैंड एंड द ओनरशिप राइट बिकम्स द सुपीरियर राइट ऑफ अ लीज, द अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द लीज स्टैंड टर्मिनेटेड। मतलब क्या है कि मैंने पहले आपसे एक लैंड लिया भाड़े पे सपोज 2 साल के लिए, और 1 साल के बाद मैंने आपसे वो लैंड परचेज ही कर लिया, तो जो लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट था क्या वो एप्लीकेबल रह गया, वो अपने आप ही क्या माना जाएगा, कैंसिल, क्योंकि आपका जो लीज था वो क्या है इंफीरियर राइट, और आपने अगर परचेज कर लिया मालिक बन गया ये क्या है सुपीरियर राइट, तो किसी बड़े राइट के अंदर अगर छोटा राइट इन्वॉल्व हो गया तो छोटा वाला राइट अपने आप ही वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऑल इज वेल। इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैंने आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जी मेरे घर में आपको किचन बनाना है, ठीक है, फिर मैंने आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया नहीं जी किचन नहीं बनाना, पूरा का पूरा घर का इंटीरियर डेकोरेट करना है आपको, तो किचन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या हो गया आपका कवर हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया टर्मिनेट हो गया। 8 पॉइंट बताओ भाई, तुम बता रहे थे कुछ, टॉल तुम बता रहे थे 8 पॉइंट के अंदर, आपने
हमने आपसे कॉन्टैक्ट किया और हमने आपको कहा था कि आप एक पर्टिकुलर डेट पे मुझे पेमेंट किया करोगे, सपोज 3 पेमेंट आपको करनी थी मुझे 2-2 लाख रुपए, 6 लाख रुपए का टोटल कॉन्ट्रैक्ट था। आपको 3 महीने का टाइम दिया गया, अप्रैल के एंड में आप मुझे 2 लाख दोगे, मई के एंड में 2 लाख दोगे, जून के एंड में 2 लाख दोगे, और उसी अकॉर्डिंग में आपकी बिल्डिंग बना रहा था। आपने अप्रैल में 2 लाख रुपए दिए, मई में 2 लाख रुपए दिए, जून के 2 लाख आपके आए, मैंने बिल्डिंग नहीं बनाई, आप कुछ कर लोगे? मतलब क्या आ रहा है कि जो फैसिलिटीज आपको मुझे प्रोवाइड करनी थी आपने उसमें रोक दिया, उसको कहीं ना कहीं बीच में तोड़ दिया, तो उसको लेके अगर मैंने कुछ परफॉर्मेंस नहीं की तो उसमें मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है और आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा उस डेट पे, खत्म हो गया भैया, आपने पैसे नहीं दिए, हमने काम नहीं किया। कुछ क्या, हाँ वही सिंगर वाला आपका केस कह सकते हो, सिंगर वाला एग्जाम्पल यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज योर यूनिट 4, इसके अंदर 2 पॉइंट हमने छोड़ा है, नंबर 1 रेसिप्रोकल प्रॉमिस और नंबर 2 जो रेसेशन नोवेशन वाला एक हेडिंग है आपका एप्रोबेशन शांत बच्चा शांत, ठीक है। ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती और उसमें दोनों पार्टी जो है वो राजी है, कंसेंट है उनका, तो उस केस में क्या होगा, ये 2 हेडिंग छोड़े आपके लिए, आप इसको पढ़ोगे, नहीं तो अगली क्लास में इसको खत्म करके फिर अगले वाले यूनिट पर हम चले जाएंगे, मतलब संडे को। अब मुझे एक बार जरा किताब दिखा दो, अभी तक